रियो रियो अपनी गाड़ी में ऐसे ही बैठता हुआ आया। रियो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो मैं आई थी यहाँ मम्मी के वहाँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे छोड़ना था। एक्चुअल में आज हम कहीं जा रहे हैं, तो अभी मानसी के ट्यूशन के बच्चे रियो के साथ कर रहे हैं इंजॉय। रियो आज रियो थोड़ा कंफर्ट फील कर रहा है बच्चों के साथ, वरना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आपने देखा ही है मेरे पुराने व्लॉग्स कि बच्चे तो कैसे घेर के रखते हैं। अभी रियो थोड़ा खुश है, तो अब हम रियो को करते हैं गुड बाय और जाते हैं यहाँ से। अभी रियो को हम, रियो यहीं रहेगा आप कुछ दिन, रोज़ मिल लेना, ठीक है? चॉकलेट लेके आना, इसके लिए चॉकलेट खाता है, डेरी मिल्क। हाँ, डेरी मिल्क खाता है। अभी हम निकल गए वॉल्वो का पता करने के लिए। शाम को आज हमने दिल्ली निकलना है, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कल निकलना है लगा है हल्द्वानी में। हल्द्वानी की सिचुएशन तो आपको पता ही है, तो समझ नहीं आ रहा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम चल रही हैं। तो हमने सोचा तो हम उसके कुछ आते हैं, तो ये है माहौल, शांति है। गाइस, फिलहाल रोटियां और ये आलू की सब्जी, और हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं दिल्ली को। तो हल्द्वानी में कर्फ्यू चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है। आपको मैंने वीडियो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा ही है, जैसे कि हम गए थे, मतलब इस लोकेलिटी में तो उतना नहीं है, बट मार्केट साइड, मतलब मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर में ही है, लेकिन जिस साइड ये सब हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी हुई है सबको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि कल जैसे कि मैंने बताया, मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फेस करना पड़ा लाइफ में कि मुझे बहुत ख़राब वो डिलीवरी बॉय मिला, जो कि मुझसे OTP पूछ के और मेरा पार्सल बिना डिलीवर करे चला गया। और सुबह से मैं उसको नॉनस्टॉप 50 कॉल्स से ज़्यादा कर चुकी हूँ। अभी फिर मेरी मैनेजर से बात हुई है, तो मतलब आज एक तो कर्फ्यू के चक्कर में कुछ खुला नहीं, तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल जो मुझे चाहिए था वो रह गया, एंड वी आर गोइंग। तो अभी ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता कि कल मैं रिसीव करके करूँगी भी कल, क्योंकि मुझे वो चाहिए था अभी। तो मेरे को बड़ा आज बहुत परेशान हूँ, सुबह से कितनी बारी चले गए हैं, कितनी बारी। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ फटाफट, और हाल हो रहे हैं बहुत ख़राब। पैकिंग वैकिंग मैंने बहुत जल्दी जल्दी करी है, पता नहीं क्या सामान छूटा है क्या नहीं, मुझे अच्छे से नहीं समझ आ रहा है अभी। और हम ऑलमोस्ट सारा सामान तो मैं रख चुकी हूँ, बाकी तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। बाकी अभी जाने की टिकट्स तो हम लोगों ने बुक नहीं करवाई, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो मैं कल का भी व्लॉग वगैरह कुछ अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि दोपहर तक तो वाईफाई भी चला था, बट बाद में वाईफाई वगैरह सब बंद है, नो कनेक्शन, नो इंटरनेट कनेक्शन, एंड बस कॉल हो जा रही है, ये भी गनीमत है। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, और हमारी पैकिंग वैकिंग सब दिन में मैंने करी ली थी, और 9:10 बजे, तो सारी चीज़ें गैस वैस सब कुछ बंद करके तो हम अब जा रहे हैं। फाइनल जितना याद रहा, और हमारे लगेज वगैरह तो पैक हो चुके हैं, दो बड़े बड़े लगेज लेके जा रहे हैं। इसको बाहर कर दूँ, लॉक लगाती हूँ, बाकी मिलते हैं कुछ दिनों बाद। यहाँ को बोलूँ आपको नहीं, आपको तो डेली मिलूँगी। ओके, लाइट वाइट करते हैं बंद, और सब कुछ इसको खुला रहने देते ना, देखो इसको खुला रहने दो। हाँ, गैस बंद कर दी, वो मिक्सी मिक्सी का बटन। हम निकलते हैं और मिलते हैं बस वगैरह का क्या देखते हैं। ट्रेन भी कैंसिल करती हूँ, मेरी सुबह 5 बजे और इसके बाद ट्रेन भी ये लाल कुआ में रुद्रपुर से पहुँच चुके हैं यहाँ, और ये है वॉल्वो स्टैंड, यहाँ पे सारी वॉल्वो लग। और अभी हम अपना डालते हैं सामान वामान, दिस इज अवर बस। अभी हम अपनी बस में बैठ चुके हैं, और दीज आर आवर लगेज कूपन, और आगे से ले लेंगे, आगे से देख लेंगे, पानी आ सके तो हमें। हाँ, तो अभी हम घर पे फ़ोन करके बता देते हैं पहले कि हम फाइनली बस में बैठ चुके हैं। एक तो कर्फ्यू के चक्कर में बसेस का बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो आफ्टर ऑल बहुत ईजीली तो क्या था, हम आपको पता ही है कि मैं थोड़ी देर पहले हम मानो में आए ही थे यहाँ को, तो अभी हमको मिल चुकी है बस। ऐसे
अजीब से स्मेल नहीं है आपको? गाइस तो रात के 11:30 बजे एक प्रैंक हो गया है। ये है वो प्रैंक, इसने किया है। तो साफ करो इसको। मैंने नहीं किया इसने। अभी हम सुबह सुबह पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सोई हुई थी और अब मैं वॉशरूम करने के लिए नीचे आई थी। तो ये मान के शूज़ पहन के आई हूँ क्योंकि मेरे शूज़ बहुत बड़े हैं तो मुझे पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इनको पहन के आ गई। तो अभी मैं जाती एक अच्छी नींद निकालने के बाद, मॉर्निंग 2 बजे। वेलकम टू दिल्ली। तो अभी हम पहुँचे दिल्ली में और टाइम 4:40। तो अभी हम अपने लिए करते हैं फटाफट कैब और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन और फिर मिलाते हैं सब कुछ से। हमारी कैब आ चुकी है, निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए और भर चुका है पूरा क्योंकि लगेज ज़्यादा ही हम लोगों के पास। तो हम पहुंच चुके हैं कोमल के वहाँ, बाकी अंकल आंटी सोए हुए हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अंदर जाएंगे। वीडियो में देखा था ना इसको, मैं रोज देखती थी। क्या हुआ? मिल लो, चलो। गाइस फिलहाल हम बहुत अच्छे से सेफली पहुंच चुके हैं यहाँ और मैं ये व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे क्योंकि दिन का व्लॉग फिर मैं अगर कंटिन्यू करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर मैं व्लॉग फिर से कंटिन्यू करूँगी और अभी के लिए ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ। हम मिलते हैं जल्द, तो तब तक के लिए मेरा वीडियो शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। उत्तराखंड में तो कर्फ्यू लगा है, नेट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उत्तराखंड वाले मेरा वीडियो बाद में देखेंगे, मतलब कि सबके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है और तभी मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, मैं सारा व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। और अभी मैं जो बाकी वहाँ पे नहीं है उत्तराखंड मींस कि हल्द्वानी में नहीं है, हल्द्वानी में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है और हल्द्वानी से बाहर जो लोग हैं तो वो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट। ओके, बाय बाय।